अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत होंगे, अल्लाह पाक खैर वाफियत ही रखे और हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। उमूमी तौर पर जो मुसलमान परेशानी का सामना कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो भी हैं सारे ही अपने ही हैं, अल्लाह पाक सबको एक आफियत वाली आसानी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और हमारी मुश्किलात आसान फरमाए। आज का टॉपिक जो पीछे सबक चल रहा था वो तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा, फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि वो हम पढ़ रहे थे 12 हैं ज़ुबान की नोक से, 12 हैं ज़ुबान की नोक से। तो उस वक्त आगे ये सबक चला था कि पहली उंगली को इस तरह सीधा करें, इसमें 3 स्टेप हैं, 1, 2, 3, और ये हर एक स्टेप पे एक लफ्ज़ बनता जाएगा। इसको यूँ रखें अपने पहलू पे और यहाँ कहें सा रा वा, इसके बिल्कुल सामने हो, यूं मुड़ी हुई ना हो बल्कि इस तरह सामने वा, कांधे से ऊपर उठा के। अब दूसरी उंगली को इस तरह करें और इन दोनों को इधर इस तरह रखें पहलू पे। तो अब फिर से ता दा पो, ता दा पो, ता द पो। फिर देख लें दो उंगलियाँ रखी, अब पहला स्टेप हमारा इसमें मुकम्मल हो गया था सा रा वो, अब दूसरा स्टेप दूसरी उंगली का ता द पो। तो इसको यूं पहलू पे रखें ता द पो। तो ये आज का सबक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए इंशाल्लाह ये भी आसानी से हो जाएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।